हाय एवरीवन, एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे हम लोग। और पिछला लेक्चर में जो है ना, हम लोग देखे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। उसमें से पांच रिएक्शंस हम लोग कंसीडर किए थे। आज उसके आगे हम लोग जो है प्रोसीड करेंगे चैप्टर को। तो छठा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसमें, वो है रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया। तो देखो, अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स का ना, सब अलग अलग रिएक्शन करता है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड अलग रिएक्शन करेगा, फॉर्मल्डिहाइड के अलावे जो अल्डिहाइड्स हैं वो अलग टाइप के रिएक्शन करते हैं। कीटोन्स जो है अलग टाइप के रिएक्शन करते हैं। तो अलग अलग टाइप का रिएक्शन होता है अल्डिहाइड और कीटोन्स का। लेकिन एक जनरल रिएक्शन यदि देखोगे अल्डिहाइड कीटोन का, तो इसमें से फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड ऑल अदर एलिफेटिक अल्डिहाइड्स रिएक्ट विथ अमोनिया टू फॉर्म अल्डिमीन्स विच मे अंडरगो पॉलीमराइजेशन। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावे जो एलिफेटिक अल्डिहाइड बचते हैं, जैसे एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ऐसे, तो वे सभी बोल रहा है कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करके पहले अल्डिमीन्स बनाते हैं। और रिएक्शन जनरली होता है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होने का क्या मतलब है, सो देखो। जैसे मान लो कि यहाँ हम लें एसिटल्डिहाइड, ऐसा, इसका रिएक्शन अमोनिया से करवाना है एसिडिक मीडियम में। अमोनिया हुआ, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन जनरली होता है, H प्लस एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से तो हम लोग रिएक्शन को दिखला देते हैं ऐसे ही, कि ऐसे ही घेर करके H2O निकालो और इस CH3CH डबल बॉन्ड NH प्लस H2O। और E वाला ग्रुप जिसमें होता है ना, ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इमीन। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड H जो हो, तो ऐसे कंपाउंड को या इस ग्रुप को बोलेंगे इमीन, और ऐसे कंपाउंड को जो है हम लोग इमीन्स बोलेंगे। अभी एसिटल्डिहाइड से बना है तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिटल्डिमीन। कैसे हुआ रिएक्शन? तो देखो, मैकेनिज्म की यदि बात करें रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन, तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, ये क्या करता है, सबसे पहले कि जो तुम रिएक्शन मीडियम में एसिड लिए हो, इस एसिड के साथ ही लोन पेयर से कंबाइन करता है। तो इस CH3CH डबल बॉन्ड OH, एक लोन पेयर बचेगा, साथ ही साथ आ जाएगा प्लस। कई बार बताए हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, ती बगल वाला इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना होगा ऑक्सीजन पे। तो ऐसा करोगे तो होगा क्या कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन घटेगा, क्योंकि एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ले ले रहा है ना, तो ये जो है सो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा जब कार्बन पे प्लस आएगा। तो इधर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर से अटैक करेगा, तो ये जाएगा CH3CH, ये हो गया सिंगल बॉन्ड OH, और ये हो गया NH3। ये दोनों इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बन गया ना, तो लोन पेयर हट जाएगा। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन आप देखोगे 1, 2, 3, 4, माने एक कम हो गया तो प्लस। नाइट्रोजन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो प्लस चार्ज इस पर भी है तो अनस्टेबल ही होगा। तो यहाँ भी क्या होना है कि इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऐसा नाइट्रोजन, तो ये बन जाएगा H प्लस। तो H प्लस बनेगा तब तक ये ऑक्सीजन लोन पेयर से इसको इधर से ले लेगा। तो ऐसा करने से ये हो जाना है CH3CH, और ये हो जाएगा NH2 ऐसा, और यहाँ तुम्हारा हो जाएगा
वो H2 एक लोन पेयर अब ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, मैंने प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है, यहाँ समझो नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था प्रोटॉन वो जाकर के अब किस में जुड़ गया, ऑक्सीजन में जुड़ गया, और यहाँ से जो है अब एलिमिनेशन होगा H2O का ऐसा। ई ऑक्सीजन पर फिर से प्लस है तो ई क्या करेगा, बगल वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा माइनस H2O, और ये एक हाइड्रोजन का बॉन्ड कर दो यहाँ तो ये बाहर हो जाएगा H+। तो H+ जो यहाँ हम लोग लिए थे समझो कि कैटलिस्ट था, एसिड कैटलिस्ट, यहाँ देखो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ और लास्ट में निकल गया H2O भी निकल गया जो यहाँ घेर के निकाले, और बनेगा क्या CH3CH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NH, देखो यही बन गया एसिटाल्डिहाइड ऐसा। तो इस तरह से रिएक्शन होता है अमोनिया के साथ या फिर कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव्स लोगे उसके साथ अल्डिहाइड का रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले एसिड जो है कार्बोनिल ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा, मैंने प्रोटोनेशन होगा, कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर यहाँ से जनरेट होगा, तो जो अमोनिया है न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करके अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, और फिर आगे जो है सो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो है जनरल अल्डिहाइड का रिएक्शन है। यही रिएक्शन यदि आप फॉर्मल डिहाइड वगैरह से करवाते हो, अच्छा यहाँ ये जो प्रोडक्ट के रूप में बना है एसिटाल्डिहाइड, तो बोल रहा है कि इसका पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब इसका बहुत सारा मॉलिक्यूल ऐसे आपस में जुड़ करके CH3CHNH इस तरह का पॉलीमर बना लेता है ऐसा। तो और बीच में जो एडिशन कंपाउंड बन रहा था ना इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियाज, माने अमोनिया का एडिशन करके बना है इसलिए अमोनियाज, और फिर अमोनियाज से H2O बाहर होकर के बनता है अल्डिमीन, और जो कि पॉलीमराइज कर जाएगा। अब यदि रिएक्शन फॉर्मल डिहाइड का करवाओगे फॉर्मल डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू फॉर्म हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन, उसके लिए क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड का 6 मोल रिएक्शन करेगा अमोनिया का 4 मोल से, और यहाँ किसी एसिड कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। क्यों, तो बतलाया था स्टार्टिंग में ही कि फॉर्मल्डिहाइड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है एमंग कार्बोनिल कंपाउंड्स, कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है अल्डिहाइड कीटोन्स उस सब में जो है फॉर्मल्डिहाइड सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसलिए इसके साथ कोई कैटलिस्ट हम लोग को ज़रूरत नहीं है, अपने आप रिएक्शन कर जाएगा, और ये रिएक्शन करके जो है ना कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनाता है CH2 का होल 6N4 प्लस 6H2O। CH2 को हम लोग बोलते हैं मिथाइलिन, तो 6CH2 है इसीलिए हेक्सा मिथाइलिन, और नाइट्रोजन को इमीन, तो 4 नाइट्रोजन है इसलिए टेट्रा इमीन। इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, देखो इसका CH2N, और यहाँ फिर CH2, और बीच में यहाँ N ऐसा। ये स्ट्रक्चर है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन का। इसी कंपाउंड को जो है ना हम लोग बोलते हैं यूरोट्रोपीन। क्यों बोलते हैं यूरोट्रोपिन, क्योंकि इसका इस्तेमाल करता है किया जाता है यूज्ड इन द मेडिसिन एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक। यूरिनरी एंटीसेप्टिक जो होता है उसके लिए जो मेडिसिन बनता है ना उसमें इस्तेमाल किया जाता है इस कंपाउंड का,
इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूरोट्रोपिन। यूरिनरी एंटीसेप्टिक माने यूरिन वगैरह से जो इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के लिए, जनरली पैन वगैरह साफ करने के लिए जो हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक बोलेंगे हम लोग। तो उस टाइप के मेडिसिन में जो है इस कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राइमीन का, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूरोट्रोपिन। यूरो आया है यूरिन वर्ड्स, है ना, यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल हो रहा है इसलिए यूरोट्रोपिन। अब जो ये यूरोट्रोपिन है ना, इसका यदि तुम नाइट्रेशन करोगे कॉन्क HNO3 से, नाइट्रेशन यदि करें इस यूरोट्रोपिन का हम लोग, तो नाइट्रेशन होने के बाद एक बहुत ही एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनता है। ऐसा अरे जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोनाइट, या इसी को हम लोग बोलते हैं RDX। RDX सुने होंगे, पूरा इसका होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव विस्फोटक, जो बारूद वगैरह बनता है ना, बॉम्ब वगैरह, तो उस बारूद को बनाने के लिए जो है इस सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है साइक्लोनाइट का, इसलिए इसी को हम लोग RDX बोलते हैं। RDX तो कॉमन है, सुने होंगे इसके बारे में, तो RDX का देखो यही स्ट्रक्चर है इसका। मतलब यदि आपको RDX बनाना है तो देखो कहाँ से रिएक्शन सीक्वेंस फॉलो करना होगा, फॉर्मल्डिहाइड का अमोनिया से रिएक्शन करके पहले यूरोट्रोपिन बनाओ, देन यूरोट्रोपिन का नाइट्रेशन करो। इसका नाइट्रेशन उतना आसान नहीं होता है, कंट्रोल्ड कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रेशन होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज एन एक्सप्लोसिव, गड़बड़ी हुआ तो बनाते बनाते ब्लास्ट कर सकता है, विस्फोट कर सकता है, तो काफ़ी प्रिकॉशंस लेना पड़ता है ऐसे रिएक्शंस के लिए, और फाइनली फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन में किसका, RDX में। तो ये था रिएक्शन जनरल अल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का। यदि यही रिएक्शन हम लोग करवाना चाहें बेंजल्डिहाइड वगैरह के साथ, तो बेंजल्डिहाइड के साथ भी जो है आसान रिएक्शन नहीं होता है। बेंजल्डिहाइड के साथ करवाओगे तो उसके साथ भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। उसके लिए बेंजल्डिहाइड का 3 मोल लिया जाता है, एक मोल, 2 मोल, अरे अमोनिया को ऐसे लिख रहे हैं NH3, यहाँ भी NH3 और 1 मोल इधर। अच्छा, और अब रिएक्शन होगा, और एक देखो H2O यहाँ से निकलेगा और 2 मोल H2O यहाँ से निकलेगा, और एकदम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनेगा इसमें, CH हो गया डबल बॉन्ड NH, यहाँ भी सॉरी डबल बॉन्ड NH नहीं, ये डबल बॉन्ड N, और इससे फिर यहाँ जुड़ा हुआ है CH बेंजीन। ऐसा तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो बेंजामाइड। अच्छा, तो देख रहे हो अमोनिया के साथ अलग अलग रिएक्शन हो जा रहा है। नॉर्मल अल्डिहाइड लिए तो बना अल्डिमीन, माने इमीन का फॉर्मेशन, फॉर्मल्डिहाइड लिए तो बना यूरोट्रोपिन और फिर उससे बनाया RDX। बेंजल्डिहाइड लिए माने एरोमेटिक अल्डिहाइड, तो इस केस में ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया जिसको हम लोग बोले हाइड्रोबेंजामाइड। अब इसमें बच जाता है कीटोन, ये बेंजल्डिहाइड था, कीटोन के साथ भी जो है बहुत आसान रिएक्शन नहीं होता है। कीटोन का जब रिएक्शन करवाओगे तो क्या बोले, कीटोन के साथ भी जो है अमोनिया का आसान रिएक्शन नहीं होता है, इसमें भी जो है कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो कैसा कंपाउंड बनता है, जैसे मान लो कि आप एसीटोन लेते हो, ऐसा एसीटोन का इस्तेमाल करते हो,
तो सबसे पहले इसके साथ ही जो अमोनिया का फॉर्मेशन एडिशन होगा एसिडिक मीडियम में, ऐसा तो नाइट्रोजन पर डेल माइनस, हाइड्रोजन पर डेल प्लस, तो यहीं डायरेक्ट आप दिखा सकते हो। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेंगे तो कार्बन पे आएगा प्लस, तो ये देखो माइनस वाला अटैक करेगा, तो सबसे पहले अमोनियाज बनेगा, ये NH2 मान लो जुड़ गया, यहाँ OH, इसको हम लोग बोलेंगे एसीटोन अमोनियाज, माने एसीटोन का अमोनिया से एडिशन होकर के बना है। अब फिर से क्या करता है कि एसीटोन का एक मॉलिक्यूल से और रिएक्शन करता है, ये हाइड्रोजन को अलग दिखा है, और देखो यहाँ से H2 बाहर होता है, तो ये CH3CCH3NH2CH2COCH3 ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। और इसका नाम लिखना चाहो IPAC नाम, तो ये 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, तो नाम क्या हो जाएगा 4 अमीनो 4 मिथाइल 5 कार्बन का पेंटेन और 2 पर कीटोन है इसलिए 2 ऑन, ऐसा। तो सबके साथ अलग अलग टाइप का रिएक्शन हो रहा है, तो इसको समझना जो है जरूरी है यहाँ से। तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन था कार्बोनिल कंपाउंड का, जिसमें बताए फॉर्मल्डिहाइड अलग रिएक्शन किया, नॉर्मल एल्डिहाइड अलग किया, बेंजल्डिहाइड अलग किया, कीटोन का फिर जो है इसमें अलग रिएक्शन हो जा रहा है। अभी अमोनिया का रिएक्शन के साथ इसके आपाद अब हम लोग जो है अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। सातवां नंबर का रिएक्शन हो जाएगा ये, सेवन नंबर। देखो अमोनिया को हम लोग रिप्रेजेंट किए ऐसे, ये अमोनिया है। अमोनिया डेरिवेटिव में क्या होता है ना कि इसका एक वो हाइड्रोजन हट करके यहाँ कोई दूसरा ग्रुप मान लो आ गया जी, तो ये हुआ अमोनिया डेरिवेटिव। इस केस में जी के जगह कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, ऐसे ही कुछ कुछ ग्रुप यहाँ हो सकते हैं। तो जैसा रिएक्शन अमोनिया के साथ था ना वैसे ही अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ होगा। और अमोनिया के साथ रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म बतलाए कि पहले अमोनियाज बनता था, फिर उससे H2O बाहर होकर के जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन होता था इमीन का। तो इसमें अलग अलग अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, जैसे सबसे पहले इसमें ए नंबर की बात करें तो यदि उस जी के जगह आप रखो OH, जी के जगह यहाँ OH रखो तो क्या कंपाउंड बनेगा ऐसा, और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्सिल एमीन। OH है इसलिए हाइड्रोक्सी, और NH2 इसलिए एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं इसको। तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो कार्बोनिल कंपाउंड, यदि इसका रिएक्शन आप हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाओगे, और रिएक्शन आप सब एसिडिक मीडियम में होगा ऐसा, तो क्या होता है कि सिंपल सा रिएक्शन होगा, H2O बाहर होगा, H2O डायरेक्ट नहीं, अभी मैकेनिज्म हम बताए थे अमोनिया के साथ कि पहले अमोनियाज बनेगा देन H2O एलिमिनेट होगा, और बाहर होकर के जो है फॉर्मेशन होगा ऐसे कंपाउंड का प्लस H2O। अब ई वाला ग्रुप जिस कंपाउंड में हो ना, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑक्साइन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वो जिसमें हो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं ऑक्साइन। अब मान लो कि यदि आप यहाँ एल्डिहाइड लेते हो एक तरफ आर एक तरफ एच, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा अल्डोक्साइन, माने एल्डिहाइड का ऑक्साइन। उसी प्रकार से मान लो कि दोनों जगह आर लोगे कीटोन, तो जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा दोनों जगह आर आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कीटोक्साइन ऐसा। जैसे मान लो कि आप यहाँ बेंजल्डिहाइड लेते हो ऐसे ही हाइड्रोक्सिलेमीन से हम रिएक्शन करवाते हो एसिडिक मीडियम में, तो H2O होना है बाहर, और ये H2O बाहर होकर के जो है ये NOH, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये कहलाएगा बेंजल्डोक्साइन, माने बेंजल्डिहाइड का ऑक्साइन। ऑक्साइन माने जिसमें ऐसा ग्रुप हो, कीटोन से रहेगा तो कीटोक्साइन कहलाएगा।
अमोनिया डेरिवेटिव्स में जो है ये पहला रिएक्शन था। उसी प्रकार से बी नंबर में यदि जी के जगह रहे NH2 तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्राजीन, तो फिर ऐसा कंपाउंड बनेगा ना, देखो ऐसा ऐसा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्राजीन। तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन यदि आप करवाते हो हाइड्राजीन से एसिडिक मीडियम, तो बताए कि पहले एडिशन होकर के अमोनियाज बनता है, देन ई एच टू ओ का एलिमिनेशन होकर के प्रोडक्ट बनेगा एन एन एच टू प्लस एच टू ओ, और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हाइड्राजोन, मतलब जिसमें ऐसा ग्रुप हो, इधर अपना जो ग्रुप रहेगा उसके अनुसार, जैसे एसीटल डिहाइड लोगे तो एसीटल डिहाइड हाइड्राजोन ऐसे करके होगा, कीटोन लोगे तो उसके अनुसार बनेगा। मान लो कि यहाँ एसीटल डिहाइड ले ही लेते हैं, एसीटल डिहाइड ऐसा, तो यहाँ भी वही चीज़ आ जाएगा। तो एक तो इसका कॉमन नाम लिखोगे तो वही हो जाएगा एसीटल डिहाइड हाइड्राजोन, और IUPAC नाम लिखोगे तो देखो IUPAC नाम क्या होगा, सो ई एगो फंक्शनल ग्रुप हुआ इमीन, ठीक है। N से यहाँ जो जुड़ा हुआ इसको मानेंगे सब्स्टिचुएंट, तो इसका नाम लिखेंगे N, और ये जुड़ा हुआ तो हो जाएगा अमीनो। उसके बाद ये दो कार्बन है तो इथेन, और ये इमीन का है तो इमीन, एन अमीनो इथेनिमीन ऐसे करके, इथेन इमीन ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया जब जी के जगह ऐसा ग्रुप रहेगा तब। सी नंबर में सी नंबर मान लो जी के जगह ऐसा ग्रुप रहे यहां बेंजीन रिंग, तो जो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां बेंजीन आ जाएगा, तो बेंजीन नहीं था हाइड्रोजन था, तो उसको हम लोग बोल रहे थे हाइड्राजीन। बेंजीन माने फिनाइल रिंग आ गया, तो अब इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। इस कंपाउंड को अब क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्राजीन। रिएक्शन एकदम आइडेंटिकल होना है, यहाँ फिनाइल रिंग ले लो तो ऐसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड एन एन एच ऐसा, यही इसका फिर हम लोग जनरल नाम लिखेंगे तो हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन, जनरल नाम हुआ फिनाइल हाइड्राजोन। और IUPAC नाम ऐसे लिखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो एन अमीनो फिनाइल, चाहे फिनाइल ऐसे लिखो एन अमीनो फिनाइल, इसके लिए अमीनो ही फिनाइल, और उसके बाद यही इधर दो कार्बन है तो इथेनिमीन ऐसे, तो ये हो गया तीसरा सी नंबर में। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स कुछ भी लोगे, मतलब ना रिएक्शन एक ही टाइप का होता है, बस यहाँ ग्रुप चेंज होते जाएगा जो कि बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगला इसमें है डी नंबर में कि जी के जगह यदि ऐसा ग्रुप लो ऐसा, तो यहाँ भी कुछ वही आ जाएगा, कंपाउंड फिर ऐसा बनेगा, और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, अब देखो यहाँ ही हो जाएगा वन ई टू ई थ्री और फोर, तो इसका नाम लिखोगे तो टू और फोर पे नाइट्रो है, टू फोर डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, टू फोर डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, शॉर्ट में इसको लिखते हैं 2,4-DNP, याद रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है 2,4-DNP, माने 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। देखो रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ NO2 होगा, यहाँ भी NO2 प्रोडक्ट बनाओगे तो यहाँ भी NO2 यहाँ भी NO2, और अब जो यहाँ ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, तो कंडेंसेशन माने होता है एडिशन प्लस एलिमिनेशन, थी दोनों चीज़ आपस में जुड़ रहा है, साथ ही साथ H2O निकल भी रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। और जो इस टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट,
जनरल नाम लिखोगे तब तो यही जाएगा 2,4-dinitrophenylhydrazone, हाइड्राजोन वही। अब जो इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं ना, ऐसे कंपाउंड जनरली होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इस प्रकार के कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और साथ ही साथ जब कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्शन करवाओगे 2,4-DNP से, तो यहाँ कलर चेंज भी होता है। 2,4-DNP से जब रिएक्शन करवाओगे तो इसमें कलर चेंज भी होता है, और ये जो कंपाउंड बनता है जनरली येल्लो, ऑरेंज या रेड। और याद रखोगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जहाँ भी कलर का बात आ जाए, मतलब वैसे रिएक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हो टेस्ट के लिए। जैसे दिया हुआ कंपाउंड अल्डिहाइड कीटोन है कि नहीं पता करना है, तो उसमें क्या करो, 2,4-DNP का 2-4 बूंद मिला दो। जैसे ही 2,4-DNP का मिलाओगे इस तरह का कलर आएगा, आइदर येल्लो आ सकता है, ऑरेंज आ सकता है, रेड आ सकता है, और साथ ही साथ कलर आने के साथ साथ क्रिस्टलाइन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो यदि ऐसा हुआ मतलब दिया हुआ कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है, अन्यथा नहीं है। तो 2,4-DNP टेस्ट के नाम से एग्जाम में आता है कि 2,4-DNP टेस्ट क्या है, तो इसको याद रखोगे कि 2,4-DNP टेस्ट करने का मतलब कि जब कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्शन करवाया जाता है 2,4-dinitrophenylhydrazine से, तो रिएक्शन होने के बाद वहाँ कलर आता है येलो, ऑरेंज या रेड, और साथ ही साथ क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है सॉलिड्स का। तो इस कलर के आधार पे या फिर जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनते हैं उस आधार पे हम लोग बोलते हैं कि वह कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है। 2,4-DNP टेस्ट है गया। अगला इसमें है डी के बाद ई नंबर, और ई नंबर में यदि जी के जगह ऐसा ग्रुप हो NHCO NH2, तो जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, देखो HHN और ये वाला ग्रुप जोड़ो NH C डबल बॉन्ड O NH2, और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड ऐसा। तो अब यदि कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन इस सेमी कार्बाजाइड से करवाओगे, तो रिएक्शन सिमिलर होना है H2O का बाहर, और ये हो जाएगा NNH C डबल बॉन्ड O NH2, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा कहलाएगा सेमी कार्बाजोन, और साथ ही साथ H2O निकलेगा ऐसा। तो ये जो पांच अमोनिया डेरिवेटिव्स हम लोग देखे, सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेमीन, फिर हाइड्राजीन, हाइड्राजीन के बाद देखे फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजिन के बाद 2,4-DNP, और लास्ट में सेमी कार्बाजाइड। रिएक्शन सबके साथ एक ही जैसा है, कंडेंसेशन रिएक्शन है कि पहले एडिशन होकर के अमोनिया फिर H2O निकलेगा, मैंने एडिशन एलिमिनेशन दोनों होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इस सेमी कार्बाजाइड से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है कि सेमी कार्बाजाइड में जो है दो दो NH2 ग्रुप है, देखो NH2 यहाँ भी है और NH2 यहाँ भी है, लेकिन दोनों में से रिएक्शन में केवल यही पार्टिसिपेट करता है, ई वाला नहीं। मतलब कि इस रिएक्शन को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो NC डबल बॉन्ड O NH NH2, ऐसे यहाँ घेर करके H2O निकाल रहे हो, नहीं ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। तो सेमी कार्बाजाइड में दो दो NH2 है, इसके बावजूद रिएक्शन में एक ही पार्टिसिपेट करता है, क्यों ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका देखो रीजन क्या है, अभी हम बताएं कि जो अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं वे काम करते हैं किसका, न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल है ये। और न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन पे है लोन पेयर, अभी लोन पेयर जितना इजीली अवेलेबल रहेगा उतना ही आसानी से ही कार्बन पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा, जैसा मैकेनिज्म शुरू में बतलाए थे हम। अब क्या है कि जो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और यदि ऐसा होगा तो NH ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड NH2 और प्लस। अब देखो नाइट्रोजन पे प्लस आ गया,
लोन पेयर गायब हो गया तो अभी न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा क्या? नहीं कर सकता है, सवाल ही नहीं है। लेकिन ई वाला जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं भाग लेगा? क्योंकि इसके बगल में डबल बॉन्ड नहीं है। यदि इसका लोन पेयर को यहाँ करवाओगे तो आगे कैसे होगा? नहीं होगा। तो रेजोनेंस वहीं होता है जहाँ बगल में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ बगल में डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। ईजिली अवेलेबल होगा कार्बन पे अटैक करने के लिए, मतलब ई जो NH2 ग्रुप है वह न्यूक्लियोफिलिक है, जबकि ई वाला NH2 ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक नहीं है क्योंकि इसका लोन पेयर कंजुगेशन में भाग लिया। समझे इसका रीजन क्या है? सो तो दो दो NH2 होने के बावजूद एक ही NH2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उसका रीजन यही हुआ कि ई वाला NH2 जो है न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ई न्यूक्लियोफिलिक नहीं है क्योंकि इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। एक इसमें जो है और है कि यदि आप जी के जगह कोई अल्काइल ग्रुप लो तो ऐसा बनेगा ना, देखो ऐसा बनेगा इस तरह का, और ये क्या बना? 1° amine। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे मान लो ले लो बेंजल्डिहाइड, तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन जब आप करवाओगे 1° amine से बेंजल्डिहाइड, और सपोज यहाँ हम लोग ले लें आर के जगह फिनाइल रिंग, माने एनिलीन है ऐसा एसिडिक मीडियम में, तो रिएक्शन तो सेम ही होना है, H2O बाहर निकलेगा और जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा ऐसा इस तरह से, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन फिनाइल बेंजल्डिमीन ऐसा, एन पर फिनाइल और इसको पूरा क्या लिखेंगे बेंजल्डिमीन। तो जो इस टाइप के कंपाउंड बनते हैं, इस टाइप के कहने का मतलब अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जब 1° amine से करवाओगे तो जो कंपाउंड बनते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अस्चिप्स बेस। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? अस्चिप्स बेस, या ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग अनिल्स भी बोलते हैं। तो जो अस्चिप्स बेस होते हैं ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो अस्चिप्स बेस होते हैं वे सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए ये सभी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो समझ गए बात को? ये जो छह रिएक्शन बतलाए लास्ट में जो था हम लोग का एफ नंबर ऐसा 1° amine के साथ, तो याद रखोगे कि जो अल्डिहाइड कीटोन है वह 1° amine के साथ रिएक्शन करके जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएगा उसको कॉमनली अस्चिप्स बेस बोला जाता है। एग्जाम में नोट्स लिखने आता है कि अस्चिप्स बेस क्या है, तो लिखना पड़ेगा कि अस्चिप्स बेस आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विथ 1° amine एंड द अस्चिप्स बेस ऑफ एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। बेंजीन रिंग वगैरह वाले सब जो अस्चिप्स बेस होता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से जो है अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ और अमोनिया के साथ जितने भी रिएक्शंस थे कार्बोनिल कंपाउंड्स के, वे सभी रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो जितना भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था कार्बोनिल कंपाउंड का, दो लेक्चर में हम लोग पूरा देख लिए। पांच रिएक्शन पिछला लेक्चर में देखे थे और दो आज अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ। इसमें बहुत सारा फिर अंदर में अलग अलग टाइप आ गया। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ से समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में जो है इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।